नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। हिप्स का मोटापा ये महिलाओं में अक्सर पाया जाता है। जो महिलाएं शादी से पहले स्लिम रहती हैं, लेकिन शादी के बाद अधिकांश महिलाओं में हिप्स के मोटापे की प्रॉब्लम हो जाती है। थाइज पर फैट आ जाता है, हिप्स पर फैट आ जाता है। तो उसके लिए आज कुछ ऐसी एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, जिनको यदि आप प्रतिदिन करेंगे तो आपका हिप का जो मोटापा है वो डे बाय डे कम होता जाएगा। तो कौन सी वो एक्सरसाइज हैं आप देखिए। सबसे पहले कैट पोज, मार्जरासन स्थिति में आए, अपने दोनों हाथ और कंधों को एकदम समानांतर रखें इस प्रकार से, और राइट लेग को पीछे से ऊपर उठाएं, श्वास लेते हुए फिर आगे लाएं, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, इस प्रकार से। दूसरे पैर से भी करें, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हैं। इसे एक पैर से 15 बार, 15 times आप करें। अब दूसरा अभ्यास, इसमें आप देखिए दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा करेंगे, श्वास लेते हुए अपनी बॉडी को उठाएंगे दोनों ओर से, विपरीत नौकासन, और इसमें अपने हिप्स को आप थोड़ा संकुचित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हिप्स मसल्स को जब आप ऊपर उठाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से। हिप्स को खींच कर रखें, 10 सेकंड लगभग रोकें, फिर वापस आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए। तो इस अभ्यास को आप कम से कम 5 से 7 बार जरूर करें, विपरीत नौकासन। तीसरे अभ्यास में आप सीधे लेट गए इस प्रकार से। अब अपने राइट पैर को उठाओ और गोल घुमाओ पैर को, क्लॉकवाइज घुमाओ 20 बार, फिर 20 बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर दूसरे पैर से करें इसी प्रकार से, दूसरे पैर को घुमाओ पूरा, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो पैर घुमाने वाला जो अभ्यास आप कर रहे हैं, इसे आप 20-20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 3 से 5 राउंड करें आप अपनी क्षमता अनुसार। नेक्स्ट अभ्यास, आप दोनों पैरों के तलवों को इस प्रकार से मिला लीजिए, दोनों हाथों को थाइज पर रखें और ढीला छोड़ दें, अपने थाइज को बिल्कुल रिलैक्स रखें, बीच बीच में थोड़ा इस प्रकार से हिलाते रहें। इस अभ्यास को आप दिन में भी कर सकते हैं, जब आप रेस्ट करते हैं तो आप इस पोस्चर में पैरों को ले आएं और थोड़ा हिलाते रहें, फिर ढीला छोड़ दें। तो ये सब अभ्यास आप करें। नेक्स्ट अभ्यास, आप अपने राइट घुटने को इस प्रकार से मोड़ते हुए अर्ध तितली चालन ऊपर नीचे चलाएं, ये लगभग 2 से 3 मिनट तक आप इसको इस प्रकार से चलाते रहें। फिर दूसरे पैर से भी कर लें इसी प्रकार से, ऊपर टच करें अपनी चेस्ट पर, नीचे टच करें इस प्रकार से पूरा चलाएं। फिर दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं और तितली चालन क्रिया इस प्रकार से घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं। तो ये आप 3 से 5 मिनट तितली चालन क्रिया का अभ्यास करें, फोकस अपने हिप्स पर रखें। तो आपने इन अभ्यासों को देखा, इन अभ्यासों को आप सुबह भी करें और शाम के समय भी, यदि आपके पास समय है तो शाम को भी आप जरूर करें। आप पाएंगे एक परफेक्ट हिप और थाइज आपकी शेप में होंगी, वेट कम होगा, मोटापा कम होगा, आपका बॉडी एक शेप में आएगी इन अभ्यासों करने से। बस ध्यान रखें, जो अर्ध तितली चालन और तितली चालन का अभ्यास हमने लास्ट के जो 2 अभ्यास बताए उनको
सावधानी से करें जिनके घुटनों में दर्द रहता है, वो हमारे घुटनों से संबंधित वीडियो को देखें और उन एक्सरसाइज को करें जो हमने घुटनों में के लिए बताई हैं, तो आप अपने घुटनों को भी ठीक करें और अपने फैट को भी कम करें। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे पेज योग गुरु राजेश को लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।